वेलकम दोस्तों, आज हम आ गए कोलकाता के सेक्टर 5 एरिया में स्ट्रीट फूड गोलगप्पा खाने के। देख सकते हैं यहाँ पे दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मैं बता दूँ कोलकाता में गोलगप्पा की बहुत सारा आइटम मिलता है। और यहाँ का गोलगप्पा खाने के बाद ही पता चलेगा कितना ज़बरदस्त होता है। देख सकते हैं ये जो पानी पूरी का आइटम है, ये आपका हरी मिर्च है, इसमें धनिया है, मिर्च पिसा हुआ है, ये बॉइल्ड मिर्च है, नींबू है, प्याज है, ये लाल मिर्च है जो कि खुद घर में बनाया जाता है, ये होममेड मसाला है ये दोनों ही, और ये काली नमक है, वाइट नमक है, और भी मसाला है। ये जो भी आइटम है वो भैया खुद बना कर डालते हैं। भैया के चेहरे की मुस्कुराहट देख के ही लग रहा है कि आज तो ज़बरदस्त तूफान आने वाला है गोलगप्पा में। मैं बता दूं, यहाँ गोलगप्पा को पुचका भी बोलते हैं, पानीपुरी भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। अभी गोलगप्पा खाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो देखता हूँ कि साथ ही साथ किस तरह से गोलगप्पा बनता है। तो यहाँ पे अभी वो भैया आलू तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ भैया का आइटम देख लीजिए, दही पुचका, पानी पुचका, चुरमुर, आलू काबली, ये सारा आइटम भैया यहाँ से सेल करते हैं। अभी आलू को बनाया जा रहा है, आलू छील करके उसमें आलू को छोटा छोटा पीस कर रहे हैं, अब उसमें सारा मसाला डालेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि कोलकाता में स्ट्रीट फूड में अगर बात किया जाए, अगर आप आते हैं कोलकाता कभी घूमने के लिए, तो अगर गोलगप्पा नहीं यहाँ का खाए तो कुछ नहीं खाए, क्योंकि गोलगप्पा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और यहाँ का गोलगप्पा देख करके खाने के बाद तो आपको सभी सारे दिनों के लिए याद है। देखिए अभी आलू रेडी हो गया, इसमें सारा आइटम डल गया, जो भी आइटम डल रहा है भैया खुद अपने घर में बनाते हैं, कोई भी मार्केट से खरीद करके नहीं लाते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, उसे खुद घर में बनाते हैं। और ये सारा आइटम अभी रेडी हो रहा है, प्याज मिर्च सारा कट के आलू में मिक्स हो रहा है, अभी आलू मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का प्लेट में लगेगा। तो मैं बता दूं कि अभी हम दही पुचका खाएंगे, भैया का जो आइटम है उसमें से दही पुचका बहुत अच्छा बताए कि बहुत अच्छा बनाते हैं, तो दही पुचका खाते हैं और बताते हैं आपको फीडबैक कि कैसा लगता है। रेडी हो रहा है आलू, आलू को पूरी में डाला जा रहा है बारीकी से, एक प्लेट में 7 से 8 पीस आ गया है, अब ऊपर से दही डाला जा रहा है। ओहो, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, क्या बात है। दही के बाद खट्टी चटनी, मीठी चटनी, ऊपर से घर में बनाते हैं पुदीना मिर्च वगैरह वगैरह की चटनी, वो डाल दिए। उसके बाद देखिए गोल गोल कटा हुआ प्याज डालेंगे ऊपर से, जो कि और टेस्ट को बढ़ा देगा। खास बात यह है कि घर का जो मसाला है ये क्या डालते हैं वो बोले कि नहीं बताएंगे, बताने का लेंगे 50,000 रुपया, क्योंकि वो ऐसा मसाला डालते हैं कि ज़बरदस्त टेस्ट आता है। साथ में देखिए ऊपर से मसाला डाले, हरी कटी हुई धनिया डाले बारीकी से, और नींबू ऊपर से डाल दिए, ओह क्या मस्त। ऊपर से प्याज डाल रहे हैं, देखने में ही शानदार लग रहा है। जो हम लोग देखते हैं ना फोटो में, वीडियो में, उससे बेहतर है। ऊपर से देखिए झूरी बाजा डाला जा रहा है, झूरी बाजा करने का मतलब बेसन का छोटा छोटा वो होता है बना हुआ, देखिए खा करके कितना इतरा रहा है, वाह मजा आ गया, मजा आ गया खा के, शानदार दोस्तों। तो आपको भी इनवाइट करता हूँ, कभी आइए तो जरूर यहाँ का गोलगप्पा टेस्ट करिए। देखिए ये टेस्ट करके कितना चेहरे पे मुस्कुराहट है इसका, लग रहा है कि खाया है कुछ, मजा आ गया आज का दिन घूम करके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।